वहीं जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में गर्मी के मौसम के चलते एक ओर लोगों का जीना मुहाल है तो वहीं बीमारियों ने भी लोगों के बीच दस्तक देनी शुरू कर दी है। इसी के चलते मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सभी सरकारी अस्पतालों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि गर्मी के मौसम में डेंगू, मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड जैसी घातक बीमारी जन्म लेती है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि उनके द्वारा सभी स्वास्थ्य केंद्रों को आवश्यक जरूरी सामान के साथ साथ दवाइयों को भी उपलब्ध करवा दिया गया है। कि गर्मी के मौसम के साथ कई बीमारियां हैं, जिसमें मच्छर जनित एक तो रोग हैं, दूसरा जो हमारे पानी से या कंटामिनेटेड खाने पीने से बीमारियाँ होती हैं, जिसमें डायरिया, डिसेंट्री आपका हो गया, टाइफाइड फीवर हो गया, और ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये आदि जो हैं इस गर्मी के मौसम में ज़्यादा होने की संभावना होती है। इसी को देखते हुए हमने स्टार्टिंग से ही सबसे पहले प्रचार प्रसार का कार्य इसमें किया है, तो हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी इसमें किया है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम इसमें जानकारी लोगों को दे रहे हैं कि ये कैसे ये बीमारी फैलती है और कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, और अगर ये बीमारी हो जाती है तो किस तरीके से इसका उपचार करके आप जो है अपनी जान का जो खतरा है उसको टाल सकते हैं। तो इस संबंध में जानकारी लगातार हमें द्वारा दी जा रही है। जहाँ तक हम अपनी तैयारियों की बात करें तो अस्पताल में जो ज़रूरी जो दवाइयाँ हैं, जो ज़रूरी उपकरण हैं, या ज़रूरी जो वार्ड की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था करनी है, इस संबंध में सबको दिशा निर्देश समय से हमारे द्वारा दे दिए गए हैं, और समुचित व्यवस्था जो है सभी के द्वारा दवाइयों को लेकर के या बेड की उपलब्धता हो उसको लेकर के कर ली गई है। हमने गर्मी के मौसम को देखते हुए लू से बचाव के लिए भी जो हमने ज़रूरी सभी को निर्देश दिए थे कि अपने बिजली की व्यवस्था, पावर सप्लाई की व्यवस्था सही रखें, अपने जो बिजली के उपकरण हैं, पंखे, कूलर आदि, इनको भी ठीक करा लें, जो वाटर कूलर है उसकी भी व्यवस्था जहाँ यथासंभव है वहाँ पर उसको कर लें, और जो